नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज सच चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सीधा मिलाते हैं एक मुख्य खबर की। जनपद चित्रकूट से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चित्रकूट के रईपुरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत इटवा के मजरा रौखरी पूर्वा में एक कुएं में किशोरी की लाश पानी में उतराते मिली। चित्रकूट अपर पुलिस अधीक्षक सीओ राजापुर मौके पर पहुंचकर बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक लड़की आशा देवी पुत्री राम अवतार थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत पतनिया की निवासी बताई जा रही है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लड़की अपनी मर्जी से रौखरी पुरवा में आई थी। चित्रकूट पुलिस जांच में जुटी। आइए देखिए हमारे साथ धर्मेंद्र यादव की इस रिपोर्ट में। हम चित्रकूट के ब्लॉक रामनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत इटवा के मजरा रौखरी पुरवा में खड़े हुए हैं। देखिए आइए इनसे जो घटना भी हुई है जानकारी। जी क्या नाम है आपका? उषा। क्या समस्या हुई यहाँ पे, कैसे क्या घटना हुई है? यहाँ मैं नहीं रहती, अभी अपने गांव से आई थी। अपने गांव से आई, लड़की कैसे कुएं में कूदी है? पता नहीं। अच्छा, आपको जानकारी नहीं कैसे कूदी है? चलिए ठीक है। घर वाले कौन आप हैं? कैसे घटना हुई है साहब? कैसे घटना हुई है? अब एक अब्बा महता यहाँ हिलुआ में बिटिया के, बिटिया पतिनिया के। तो कहा था जैसा आए हैं तो वह कह रही माना जाए हैं, और वह कह रही, वह कह रहा है का बाप का हमें लेवा ले जाए हैं। अच्छा, लड़की कह रही थी माना जाए, उसका बाप कह रहा था लेवा जाए। ये बताइए लड़की कहाँ की रहने वाली है? पतिनिया के। पतिनिया के रहने वाली है। ये बताइए लड़की का नाम क्या है? आशा। उसके पिताजी क्या नाम है? उनके राम अवतार। राम अवतार नाम। ये बताइए जो लड़के की जो यहाँ शादी जिससे हुई है उस लड़के का क्या नाम है? लड़के की शादी नहीं हुई, वो लड़के साथ आया है। अच्छा, लड़के साथ वैसे आ गई थी। कब आई थी? होगी 2-3 महीना। तो कब आई थी हम पूछ रहे हैं? 3 महीना हो गया। 3 महीने आई थी ना। तो लड़के का नाम क्या, जिसके साथ आई थी, क्या नाम है? धीरेन्द्र नाम है। पिता का नाम क्या? धीरेन्द्र राम था वहाँ घनश्याम। लड़के के साथ नहीं आई, ऐसे अकेले चली आई। लड़के के साथ नहीं अपने से। देख ग्रामीणों का कहना है कि जो लड़की अभी जो यहाँ दत्त हुई कुएं में, वो लड़की उसके माँ बाप मार, लड़की यहाँ अपने से आई थी। और जो लड़का है धीरेन्द्र बता रहे हैं, लड़के के साथ यहाँ आई थी। धीरेन्द्र नाम लड़के का। चलिए ठीक, देखो दिखाते हैं हम। ठीक, धन्यवाद। देखिए जो ग्राम प्रधान इटवा के हैं उनसे हम मुलाकात कर। जी क्या नाम है आपका? मनोज। देखिए ये प्रधान है इटवा के, बताइए ये घटना कैसी हुई है? मैं गौशाला चला गया था, मेरे पास फोन गया था। अच्छा, आपको फोन के द्वारा अवगत कराया गया था? जी, तो मैं उसी अनुसार अभी आया, लहास चली गई थाने। अच्छा, जब आप जब घटना स्थल पे आप नहीं पहुंच पाए, बाद में आए हैं, ये जानकारी आपको है कैसी घटना हुई है? नहीं, जानकारी तो अभी नहीं है, अभी तो मैं आया हूँ। अच्छा, अभी आप आए हैं, कुछ जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ग्राम पंचायत इटवा में खड़े हुए हैं। जी सर, ये घटना कैसी हुई है? यार देख रहे हो, मैं अभी वहाँ चलिए कैप लगा के आपको बताता हूँ। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे बाइट लेने पर सर कह रहे हैं, अभी हमको थोड़ा कुछ जानकारी याद नहीं है, पर वहाँ थाने बुलाए गए, वहाँ पर जानकारी दी जाएगी। अब देख रहे हैं हम रौखरी पूर्वा में खड़े हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ पे कैसे क्या घटना है। सर थोड़ा सा घटने के बारे में जानकारी दे दीजिए। थोड़ा आप इसको बंद कर दो, मैं बताता हूँ।